सभी व्यूअर्स को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक है भादो मास की पूर्णिमा कब है और इस पूजा में किस देवी देवता की पूजा करने का विधान है, व्रत का क्या महत्व है और इससे जुड़ी एक प्राचीन कहानी भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए आपको बेल बटन भी प्रेस करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्य नारायण रूप की पूजा की जाती है। भगवान सत्य नारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार में शांति बनी रहती है। जिन भी लोगों को मानसिक परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद ना आना जैसी समस्याएं अगर रहती हैं, मन बहुत ज़्यादा भटकता है या किसी एक चीज़ में मन लगा के आप काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस दिन व्रत के साथ साथ चंद्रमा का पूजन ज़रूर करना चाहिए। पति और पत्नी इस दिन मिलकर अगर चंद्र दर्शन और पूजा करते हैं तो उनका रिश्ता बेहद मजबूत होता है, रिश्ते में मिठास आती है और अगर कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ मन मुटाव रिश्ते में है तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ये पूजा करना शुरू किया तो धीरे धीरे कुछ ही समय में आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठ के किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। अब शहरों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला के नहा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु पीपल पे वास करते हैं। इस दिन अगर आप कच्चे दूध में गंगा जल और थोड़ा सा मीठा मिला के पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है। इस दिन आपको शाम के समय विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी होती है। उन्हें नैवेद्य, फल फूल, पंचामृत, चूरमा, पके केले की फली का भोग लगाना होता है। प्रसाद में आपको तुलसी दल जरूर शामिल करना है क्योंकि इसके बिना भगवान जो है श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजन के बाद आपको सत्यनारायण जी की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद पंचामृत और चूरमे का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और इसको आप वितरित भी करें। पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान देने से विशेष लाभ होता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि कब है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:07 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 10 सितंबर दोपहर 3:28 पे होगा। तो उस हिसाब से पूर्णिमा जो है 10 सितंबर को ही रहेगी क्योंकि उदया तिथि में ये 10 सितंबर को ही आ रही है। भादो मास की जो पूर्णिमा है इसमें भगवान उमा महेश्वर के लिए भी व्रत किया जाता है। सत्यनारायण जी की पूजा तो हर पूर्णिमा पे की जाती है लेकिन इस पूर्णिमा पे खास उमा महेश्वर जी का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर और माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन घर में पूजा स्थान पर शिव और माँ पार्वती के रूप को स्थापित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। इस दिन भगवान के अर्धनारेश्वर रूप की पूजा की जाती है। आपको उन्हें धूप, दीप, गंध, फूल इत्यादि अर्पित करने हैं। साथ ही साथ शुद्ध घी से बना भोजन भी आपको भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करना चाहिए। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उमा महेश्वर जी की व्रत कथा। तो ये जो कथा है इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में है। कहा जाता है कि एक समय में महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु जी को दे दी।
भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं ना पहनकर गरुड़ के गले में पहना दिया। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और वे बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेष नाग भी तुम्हारी कोई सहायता ना कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा से क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना की और इस जो है श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान विष्णु ने भी इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सारी शक्तियां भगवान विष्णु को वापस मिल गई। कथा संपूर्ण हुई। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री उमा महेश्वर। अगर आप इस दिन व्रत कर रहे हैं तो सत्यनारायण जी की व्रत कथा के साथ आपको उमा महेश्वर जी की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। धन्यवाद।